विद्युत उपकेंद्र पर हुई लूट के मामले में मुख्य आरोपियों से हुई पुलिस की मुठभेड़, आरोपी को पैर में लगी गोली। मैनपुरी जनपद के थाना एलाऊ क्षेत्र के मंजना विद्युत उपकेंद्र पर हुई लूट की वारदात को अज्ञात बदमाशों के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने 2 दिन पूर्व बताया था कि घटना को कारित करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और अन्य मुख्य आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिसके अंतर्गत कल रविवार को मुख्य आरोपी व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान घटना को कारित करने वाले मुख्य आरोपी के पैर में लगी गोली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। आरोपी के कब्जे से तमंचा सहित कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं मुठभेड़ के दौरान थाना प्रभारी को सीने में लगी गोली, बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से बाल बाल बचे थाना प्रभारी। एलाऊ थाने में 20/21 की रात में बिजली घर पे कर्मचारियों को कमरे में बंद करके और वहां से 12 कुंटल तांबा चोरी किया गया था। इस संबंध में 13 लोगों का गैंग प्रकाश में आया था, जिसमें से 4 लोग पकड़े गए। 2 व्यक्तियों के बारे में सुखबीर और सतेंद्र के बारे में जानकारी मिली कि स्कॉर्पियो गाड़ी से आज ये तांबा बेचने ग्वालियर की तरफ जा रहे थे। पुलिस द्वारा उनको रोका गया, रोकने पर उनके द्वारा पुलिस बल पे फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें 2 लोग इसमें इंजर्ड हुए, एक सुखबीर और सतेंद्र यादव। सतेंद्र और सुखबीर दोनों ही शातिर अपराधी हैं। इनके ऊपर 20,000 रुपये का इनाम घोषित है। सतेंद्र के ऊपर पहले से कुल 13 मुकदमे हैं और सुखबीर के ऊपर कुल 2 मुकदमे हैं। सुखबीर पूर्व प्रधान भी है। इसमें इनके गाड़ी से काफी सारा तांबा भी बरामद हुआ है, 2 तमंचे बरामद हुए हैं। इस गिरोह के अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। दोनों ही घायलों को चिकित्सकीय उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।